ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। 24 घंटे में 245 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। आवारा कुत्तों ने एएसआई बलराम सिंह पर भी हमला किया था। कुत्तों से बचने के चक्कर में बाइक फिसलने से एएसआई घायल हो गए। एएसआई के पैर में फ्रैक्चर हुआ। आवारा कुत्तों ने 24 घंटे में 245 लोगों पर हमला किया है और ये संख्या फिर भी कम है। आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले जो खबरें आई थी, 500 से ऊपर लोग होते थे जिनके ऊपर कुत्ते हमला करते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इनसे बचाव में कुत्तों पर भी हमला किया जाता है। ये जो भिड़ंत कुत्तों और इंसान के बीच में हो रही है, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, एक बड़ा सवाल है। निगम ने कुछ वक्त पहले ही ये कहा था कि आप धैर्य रखिए, हम एक मेगा प्लान बनाएंगे जिसमें कुत्तों को रखा जाएगा, उनको इलाके से दूर किया जाएगा और उनको भरपूर खाना दिया जाएगा ताकि उस तरीके के हमले ना करें। लेकिन अब ये देखिए, तमाम उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है क्योंकि 24 घंटे के अंदर 245 लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं। और अब बात करेंगे धार की भोजशाला में सर्वे का। आज 8वां दिन है। एएसआई की टीम हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ भोजशाला में सर्वे कर रही है। सर्वे में जीपीएस जीपीआर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। भोजशाला के पीछे के परिसर में खुदाई का काम भी चल रहा है। भोजशाला की नींव तक खुदाई की जा रही है। नींव के पत्थरों की जांच करके भोजशाला की उम्र का पता लगाया जा सकेगा। भोजशाला के 50 मीटर के दायरे में भी मेजरमेंट किया गया है। यहां भी सर्वे चल रहा है और आज शुक्रवार के चलते भोजशाला में दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज भी होगी और इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गर्भगृह हो, छत हो, यज्ञ कुंड हो, स्तंभ हो, दीवार हो, शिलालेख हो, बाहरी हिस्सा हो, अंदरी हिस्सा हो, सभी जगह सर्वेक्षण का काम अपनी गति से नियमित रूप से चल रहा है। जो टीम आई हुई है, इस एक टीम के सभी सदस्यों के पास उनका अलग अलग कार्य रहता है, तो उसके अंतर्गत जो खुदाई में जो प्राप्त होते हैं उसमें मिट्टी भी प्राप्त होती है, अवशेष भी प्राप्त होते हैं, पत्थर भी प्राप्त होते हैं, तो उनका कोई चयन सिस्टम बना हुआ है, उसी के तारतम्य में हो रहा है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम धार की भोजशाला का लगातार सर्वे करने में जुटी हुई है। अभी इस समय हम मौजूद है धार की भोजशाला में, जहाँ पर एएसआई की टीम जो है भोजशाला के अंदर दाखिल हो चुकी है। साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी उनके साथ में मौजूद हैं और साथ ही कुछ वर्कर भी उनके साथ में हेल्प के लिए मौजूद हैं। तो भोजशाला में लगातार सर्वे जारी है और सर्वे का आज जो है वो 8वां दिन है। 8वें दिन का सर्वे शुरू हो चुका है और अभी टीम जो है भोजशाला के अंदर पहुँच कर सर्वे में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो आज शुक्रवार भी है और शुक्रवार के चलते धार की भोजशाला में नमाज होती है। एएसआई के आदेश के अनुसार जो है 1 बजे से 3 बजे तक धार की भोजशाला में नमाज होगी, जिसे लेकर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं। धार की भोजशाला में चारों तरफ जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी पूरी धार की भोजशाला के चारों ओर तैनात हैं। धार की भोजशाला को पूरी तरीके से कवर किया गया है। इसके साथ ही हम बात करें शहर की, तो शहर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो अब जो है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ नमाज होना है, साथ ही सर्वे जो है वो भी अंदर किया जा रहा है। तो सर्वे शाम को जब सर्वे की टीम बाहर आएगी तब पता चल पाएगा कि आज के सर्वे में क्या हुआ है। फिलहाल जो है धार की भोजशाला में एएसआई की टीम सर्वे में जुटी हुई है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज 18 धार। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जगदीश कौशिक ने खत्म किया अनशन। पार्टी ने मांग कर विचार का भरोसा जताया है। लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं जगदीश, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया गया था और यही कारण है कि पिछले 3 दिन से लगातार अनशन पर बैठे हुए थे। और इन्होंने हालांकि मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, इनको साफ तौर पर कहना था कि जो उनकी मांगे हैं वो पीछे चस्पा कर दी गई हैं, आप उसे पढ़ लें। और अब आप ये देखिए कि अनशन खत्म कराया गया, जगदीश कौशिक ने खत्म किया अनशन। पार्टी ने मांग पर विचार का भरोसा दिया है। लोकसभा का टिकट ये मांग रहे हैं जगदीश। और ये देखिए पूरे परिवार के साथ, चूंकि परिजन भी काफ़ी परेशान होते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये अनशन पर बैठ गए थे। इनका ये कहना था कि जो जिन्हें टिकट दिया गया है देवेंद्र यादव, उनका टिकट काटा जाए और इन्हें टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे। इस पर विचार करने की बात कही गई है
लोकसभा का टिकट जो जगदीश मांग रहे हैं, ये इन्हें अब मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा या फिर और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीते 3 दिनों से अनशन पर बैठे जगदीश कौशिक का अनशन तोड़वाने के लिए जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं कि हाथों में जल है, यानी गंगा जल मान ली इसे, और इसी जल से अब चूंकि आप देख सकते हैं कि उनका अनशन तोड़वाया जा रहा है और लगभग 3 दिनों तक लगातार ये इसी तरीके से अनशन पर रहे हैं और ये जल पानी पिलाकर इनका अनशन तोड़वाया जा रहा है। जी विजय जी, अनशन तोड़वाइएगा। देखिए, ये वो दृश्य है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस कमेटी जो है लगातार प्रयास कर रही थी कि जगदीश कौशिक किसी भी तरीके से अनशन तोड़े। अब जानना होगा कि किस मुद्दों को, किन मांगों को लेकर ये अनशन तोड़ा गया, क्या कुछ उनके पास बात रखी गई है, क्या आश्वासन मिला आपको? जिला अध्यक्ष बड़े भैया विजय केशरवानी जी ने बताया कि आलाकमान को सूचना दे दी गई है, जानकारी दे दी गई है। बिलासपुर लोकसभा में नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो रही है, उससे पहले CEC की बैठक में पुनर्विचार होगा और तुम्हारे साथ न्याय होगा, ये मुझे भरोसा दिलाया है जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी जी ने, और इसलिए मैंने अनशन समाप्त किया। आप बताइए किस तरीके से निर्देश मिला था शीर्ष नेतृत्व को? देखिए, जगदीश कौशिक जी हमारे जिला कांग्रेस के, इस कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम सदस्य हैं। बिल्कुल, अनशन तोड़वाने के लिए देखिए जूस भी लाई गई है और जूस के जरिए अब सतीश जो है जगदीश कौशिक का वो अनशन तोड़वा दिया गया है। निश्चित रूप से उनको CSI की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 12 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है, उस दिन तक के इनके बात को उच्च फोरम तक रखा जाएगा और उनकी मांगों को लेकर जो है रणनीति बनाई जाएगी। लगातार 3 दिनों के अनशन के बाद उन्हें एक आश्वासन मिला है कि 12 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख के दिन ही वो फैसला जो है वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया और इसी बात को लेकर वो भी आश्वासन मिला है और उसी आश्वासन के तहत उन्हें आज जल और जूस पीकर इस अनशन को तोड़ दिया है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। वहीं शिवपुरी में किसान की झोपड़ी में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। तेंदुआ थाना क्षेत्र के राजगढ़ गुरीला गांव की ये पूरी घटना है जहां पर किसान की झोपड़ी में आग लगी और आग देखते ही देखते फैल गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया लेकिन तब सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग लगी भीषण आग। अब चूंकि गाँव में जो मकान होते हैं कच्चे होते हैं, घास फूस से छांव उसमें बना दी जाती है और लकड़ी के मकान होते हैं और इस वजह से आग जब लगती है तो बहुत तेजी से फैल जाती है और ऐसे ही पूरा घटनाक्रम यहां पर सामने आया जब मकान में आग लगी और देखते देखते आग पूरे मकान को अपनी चपेट में ले ली है। जब तक आग को बुझाया जाता पूरा सामान जल चुका था। आग लगी और अब इंदौर से बड़ी खबर है जहां पर हत्या के प्रयास का फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। कुख्यात बदमाश सलमान लाला को गिरफ्तार किया गया है। 25 साल की उम्र में 33 अपराध कर चुका है सलमान लाला। क्राइम ब्रांच की टीम ने पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ ही इसे गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से जहां हत्या के प्रयास का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कुख्यात बदमाश सलमान लाला गिरफ्तार किया गया है। 25 साल की उम्र में 33 अपराध कर चुका है सलमान लाला। क्राइम ब्रांच की टीम ने पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ इसे गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अंतर्गत हमने एक ऐसी कुख्यात आरोपी को संयुक्त कार्रवाई करते हुए, जिसमें इंदौर क्राइम ब्रांच और MIG पुलिस ने सलमान लाला नाम के कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी मुखबिर सूचना के उससे हुई थी और ये गिरफ्तारी हमने खजराना रोड पे से की है। महासमुंद में बदमाशों के गुंडागर्दी का मामला सामने आया। दुकानदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। CCTV में कैद पीड़ित दुकानदार मदद की गुहार लगाता रहा और अब आप ये देखिए कि CCTV में ये पूरे दुकानदार से मारपीट की घटना कैद हुई। हालांकि वो मदद की गुहार यहां पर लगाता रहा लेकिन उसे रोका किसी ने नहीं, मारपीट जारी रही। दुकानदार के साथ मारपीट की तस्वीरें आप देखिए, पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हुआ है। महासमुंद का ये पूरा मामला है जहां पर दुकानदार के साथ बदमाशों ने मारपीट की है और ये मारपीट क्यों की गई है, क्यों इसके ऊपर इतना मारपीट इसके साथ की गई है, ये तमाम सवाल अब खड़े होते हैं और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है क्योंकि CCTV में ये पूरी घटना कैद हुई है और अब इसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
तो युवक को जान से मारने की धमकी भी दी गई है, उसके साथ मारपीट की गई है महासमुंद में। और अब मामले की जांच, कुछ लोगों पहुंचे भी और मामले को शांत कराने की कोशिश भी की। लड़के लोगों को लेकर आए थे। और खबर इंदौर से, जहां पर पुलिस ने नकली नागा साधु को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नागा साधु बनकर लोगों के साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस को जब शिकायत मिली तो क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नागा साधु के हुलिये में बिना नंबर की कार से घूमकर राहगीरों से लूट करता था, लोगों को धन लाभ का लोभ देता था और फिर अपनी बातों में फंसाकर आभूषण लूटकर फरार हो जाता था। आरोपी के पास तो लूटी हुई सोने की चेन समेत 2 लाख का सामान भी जब्त हुआ है। नागा साधु बनकर लूट का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आरोपी के पास से लूटी गई चेन और 2 लाख का सामान भी बरामद हुआ है। दरअसल धन का लालच देकर ये लूट की वारदातों को अंजाम देता था। गुजरात और इंदौर शहर में ही लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार का शव दफनाया जाएगा और इस सिलसिले में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने कब्रिस्तान का निरीक्षण किया और आज पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव बांदा से गाजीपुर उनके पैतृक घर लाया जाएगा, जिसके बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। शव को दफनाने के लिए गाजीपुर में कब्र की खुदाई शुरू हो गई है और आप देखिए कि देर रात मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। अब हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां पर जब मौत की जानकारी मिली मुख्तार अंसारी की, तो उसके बाद पुलिस बल भी तैनात किया गया, फोर्स तैनात की गई ताकि कोई भी हंगामा ना हो, झड़प ना हो, उपद्रव ना हो। और अब गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार का शव, जहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा शव। प्रशासन ने निरीक्षण किया है, तमाम चेकिंग कर ली गई है और अब खुदाई की जा रही है। कब्रिस्तान के निरीक्षण के बाद से खुदाई का काम शुरू हो चुका है। गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार का शव और यहां पर शव सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब कांगेर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। गश्त में निकली टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। कल शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चली मुठभेड़। मुठभेड़ के बाद भागे नक्सली, मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री भी मिली है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे गढ़चिरौली के जंगल में मुठभेड़ हुई है। तो खबर कांगेर से है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। गश्त में निकली टीम के साथ मुठभेड़ हुई है। कल शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक चली मुठभेड़। मुठभेड़ के बाद भागे नक्सली, मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री भी मिली। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे गढ़चिरौली के जंगल में मुठभेड़ हुई। और अब बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी की जा रही है। नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी फोर्स, लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों पर प्रहार होगा। IB LIB के इनपुट के आधार पर प्रहार की तैयारी की जा रही है। माओवादियों के कई ठिकाने ध्वस्त किए जाएंगे। बड़ी खबर है, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। बदमाशों और नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी फोर्स, लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा प्रहार होगा। IB LIB के इनपुट के आधार पर प्रहार की तैयारी की जा रही है। माओवादियों के कई ठिकाने ध्वस्त किए जाएंगे। साथ साथ जो माओवादियों का जो कैडर्स का उनका लोकेशन का स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट का आधार पर उनके ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई भी की जा रही है। उदाहरण स्वरूप कल का बीजापुर का मुठभेड़ में 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनका स्पेसिफिक आसूचना आधारित इस टाइप की ऑपरेशन के माध्यम से माओवादियों का जो उनके
कैडर स्ट्रेंथ को कम करने के लिए उनकी जो भी उपस्थिति उसके आधार पर हम ऑपरेशन के माध्यम से उनका उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने का हमारा प्लानिंग रहा गया। आने वाले समय में भी इसमें और फोकस करके हम कार्रवाई करेंगे ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार का कोई उनका डोमिनेशन ना रहे, उल्टा सुरक्षा बल का इलाके में डोमिनेशन रहे, उसी हिसाब से हमारा कार्रवाई रहेगा।